हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। सेकंड पार्ट कहता है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो एक पेन और एक पेंसिल की कीमत हमें पता करनी है, जिसमें मैंने क्या माना है, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। तो ये मानने के बाद हमारे पास अगर 5 पेंसिल हैं तो 5 पेंसिल के हिसाब से क्या कीमत होगी। तो एक पेंसिल हमारा क्योंकि एक्स है तो 5 पेंसिल के लिए हमने 5 × x कर दिया। इसी तरीके से 7 पेंस हैं, एक पेन की कीमत अगर वाई है तो 7 पेन के लिए 7 × y कर दिया हमने। अब ये टोटल पेन कितने खरीदे गए थे, 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर 50 रुपए के थे। तो 5x + 7y = 50, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। यही चीज हमने इधर भी करी, 7 पेंसिल था 7x हो गया, 5 पेन था तो 5y हो गया, और क्योंकि दोनों मिलाकर 46 के खरीदे गए थे इसलिए जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास 7x + 5y = 46 हमारे पास बन गई। क्योंकि हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इक्वेशन वन, उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 7y यहाँ जो था इस जगह, अगर हम देखें तो 7y प्लस में जब ये ट्रांसपोज हुआ 50 के पास तो माइनस में चला गया, उसके बाद यहाँ बचा रह गया फिर 5x। तो 5 के साथ x के साथ जो 5 है वो मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज होकर ये डिवाइड में चला गया। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन जो वन है वो ट्रांसपोज हो गई y के रेस्पेक्ट में। तो हमें y की अलग अलग वैल्यू लेकर x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यही तरीका हमने इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या किया, इसको हमने इसमें हमने इक्वेशन वन को y के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोज किया और यहाँ x के रेस्पेक्ट में हमने इक्वेशन को ट्रांसपोज कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पहले इक्वेशन से अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आती है। इस वैल्यू में अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, ठीक है, तो आपको पता है 50 − 7 × 0 0 ही रहेगा, ठीक है। 50 − 0 0 50 0, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, डिवाइड बाई 5, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। यानी 0 लेने पर हमारे पास x की वैल्यू 10 आती है। अब हमें क्या चाहिए, एक और सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसी इक्वेशन के अंदर, यानी हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था 50 − 7y / 5, तो अगर मैं अब 5 ले लूँ y की वैल्यू अगर मैं 5 ले लेता हूँ और इसके अंदर पुट कर देता हूँ तो 50 − 7 = 35 होता है डिवाइड बाई 5, और 50 − 35 ये हो जाएगा 15 / 5 = 3। यानी अब जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, ठीक है, और ये हमने ले लिया, दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। यही तरीका हमें इसके अंदर करेंगे। तो अगर मैं y पे डिपेंड कर रहा है तो x के अलग अलग वैल्यू लेंगे। तो पहले टाइम में अगर x की वैल्यू 3 ले ली जाए तो देखेंगे क्या वैल्यू आती है। वैसे आपकी मर्जी है, x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर अपॉन की वैल्यू आती है 1/2 के फॉर्म में तो हम उसको नंबर लाइन के हिसाब से सेट कर लेते हैं, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ 7 × 3 होता है 21 डिवाइड बाई 5, तो 46 − 21 तो ये हो जाएगा 5 एंड 25 डिवाइड बाई 5, और 5 × 5 होता है 25, यानी y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, तो इसी इक्वेशन के अंदर ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है 46 − 7x / 5, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू अब क्या ले लूँ, 8 ले लूँ, तो देखो क्या आता है। तो 7 × 56 होता है डिवाइड बाई 5, और ये 56 − 46 10 आएगा, पर 56 बड़ा है तो माइनस यहाँ पे लिया जाएगा, और इसको रिड्यूस कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास इस वक्त −2 आ रही है। तो दो दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब हमें करना क्या है, इनका ग्राफ बनाना है। तो पहली इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिला है वो है 10, 0, यानी x वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, और जो दूसरा सॉल्यूशन मिला है
को 3.5 मिला है, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड से हमें जो पहली सॉल्यूशन मिला है वो 3.5 और दूसरा मिला है 8.-2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम लाइन ले लेंगे दो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो अब मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू थोड़ी 10 तक है, थोड़ा लंबा ले लेते हैं। इसके बाद ये हमारा हो गया y एक्सिस, जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं x एक्सिस, और ये हमारा 0, 0 रहता है, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है पहला, तो यहाँ स्केल अगर हम ले, स्केल भी लेना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा ऑन x एक्सिस हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट को दिखाएगा। इसी तरीके से ऑन y एक्सिस हम ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इस पर भी 1 यूनिट को ही शो करेगा। तो यहाँ डिवीजन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी वाई पे ले लेते हैं, तो वाई पे भी हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब देखते हैं कि हमारा जो पहला है, पहला सॉल्यूशन कहां पे आएगा, 10.0, यानी x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो y पे तो जाएंगे नहीं, x पे ही हमारा इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए। अब 3.5, तो 3 यानी x की वैल्यू 3 है, ये है, तो x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू कितनी है वो देखेंगे, कहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे, y की वैल्यू हमारी 5 है, और ये लगभग यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यानी हमारी जो पॉइंट दूसरा मिलेगा पॉइंट भी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो सही से इसको यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा बी, ठीक है, और यहाँ दिखा देते हैं कि ये 3.5 दिखाता है और ए जो है वो 10.0 को दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजारनी है, ठीक है। तो ये हमने लाइन ले ली और ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसे ही इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, हाँ। तो ये आ गया हमारा एक लाइन जो पॉइंट ए और बी से पास करता हुआ जा रहा है। अब हमारा यहाँ अगर हम देखें कि 3.5 यहाँ पर भी है, 3.5 यहाँ पर भी है, ठीक है, सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशन के लिए, तो पॉइंट बी तो कॉमन हो गया है ना। उसके बाद 8.-2 देखेंगे, तो क्योंकि माइनस है भाई, तो माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। तो ये हम चलेगा नीचे, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहां से हमारा ये -1 को दिखाएगा, ये -2 को दिखाएगा, और ये दिखाएगा -3 को, ठीक है। तो क्या था हमारा, -2 था वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 8 पर, यानी एक्स की वैल्यू हमारी तो 8 यहां पर आ रही है कुछ, ठीक है, और वाई की वैल्यू यहां से जाएगी कुछ इस तरीके से और यहां इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो बना लेते हैं जल्दी से, हमें पॉइंट मिल चुका है, तो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट मान लेते हैं सी। अब पहला पॉइंट जो कि बी है वो तो कॉमन है 3.5, तो बस अब एक लाइन लेंगे और यहां से बनाते हुए जाएंगे, तो ये हो गया, और इसको आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा दूसरी लाइन का इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन की लाइन बन गई, और हमें क्योंकि सॉल्यूशन पता करना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स और वाई की वैल्यू तो वही होती है जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करती है,
और लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पर। इसका मतलब हमारा जवाब होगा यानी एक्स जो है वो 3 है और वाई की वैल्यू 5 है। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, यानी अब हम फाइनली बता सकते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया था कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल का निकालने का। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जिसको हमने एक्स माना था, वो कितने रुपए की पेंसिल है, 3 रुपए की एक पेंसिल है। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ वन पेन बताना था, जिसको हमने वाई माना था, और ये आ चुका है 5 रुपीज, यानी एक पेंसिल 3 रुपए की है और जो पेन है वो 5 रुपए का एक पेन। और वैसे भी 5 का ही आता आजकल पेन। तो हमने देखा कैसे इस सवाल को किया गया, आपको भी समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।